दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ले जाने वाले हैं रामेश्वरम की यात्रा पे। जी हाँ, रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है और यह चार धाम तीर्थ यात्रा में से एक धाम भी है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको रामेश्वरम यात्रा से संबंधित सभी बातें डिटेल में बताई जाएंगी, जैसे आप रामेश्वरम कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर रुकने के लिए क्या व्यवस्था है, सस्ती धर्मशालाएं कहाँ पर मिलेंगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, यहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, साथ ही साथ रामेश्वरम यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा हो सकता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप रामेश्वरम कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों रामेश्वरम पहुंचने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर बात करें तो वो है बाय ट्रेन। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो रामेश्वरम में ही रेलवे स्टेशन है। अगर आपके शहर से डायरेक्ट रामेश्वरम तक ट्रेन मिल जाती है तो अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है रामेश्वरम तक तो आप मदुरई आ जाइए और मदुरई से रामेश्वरम तक की डिस्टेंस करीब 170 किलोमीटर है और मदुरई पहुंचने के बाद आप चाहें तो बस के द्वारा या फिर ट्रेन चेंज करके भी आप रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो वो है बाई रोड। दोस्तों अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आना चाहते हैं तो आप मदुरई तक आ सकते हैं और मदुरई से आपको गवर्नमेंट बसेस और प्राइवेट बसेस दोनों ही मिल जाएंगी जिसकी मदद से आप रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। मदुरई से रामेश्वरम तक की डिस्टेंस 170 किलोमीटर है और बस का किराया करीब 200 से 300 रुपए लग जाता है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन है बाय फ्लाइट। दोस्तों अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट भी मदुरई में ही है। मदुरई से आप बस के द्वारा या फिर टैक्सी हायर करके रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। इन तीनों ही ऑप्शन में मेरा रिकमेंडेशन आपको रहेगा कि आप बाय ट्रेन आइए, क्योंकि ये सबसे सस्ता और सुविधाजनक आपको पड़ेगा। साथ ही साथ जब आप बाय ट्रेन आएंगे तो आपको भारत के सबसे लंबे समुद्र पुल पंबन ब्रिज से यात्रा करने का शानदार अनुभव मिलेगा। दोस्तों पंबन ब्रिज से जब ट्रेन गुजरती है तो आपको बहुत खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आपको बाय ट्रेन ही आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम रामेश्वरम पहुंच चुके हैं, अब हमें दर्शन करना है, लेकिन दर्शन करने से पहले हमको क्या क्या करना होगा चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दर्शन करने से पहले मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर ही बना है अग्नि तीर्थ, वहां पर जाकर आपको स्नान करना होगा। दोस्तों जब भगवान राम रावण का वध करके आए थे तो यहीं पर उन्होंने स्नान किया था और यहाँ की समुद्री लहरें एकदम शांत हो चुकी हैं क्योंकि भगवान राम ने इनको स्पर्श किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अग्नि तीर्थ में स्नान कीजिए, उसके बाद आप मंदिर परिसर में जाइए। अग्नि कुंड में या अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद जब आप मंदिर परिसर में जाएंगे तो वहां पर 22 कुंड हैं और वहां भी 22 कुंड में आपको स्नान करना होगा। इस 22 कुंड में वहां पर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं जो आप पर जल डालकर आपको स्नान करवा देते हैं और इस 22 कुंड में स्नान करवाने का वो आपसे 20 से 25 रुपए चार्ज करते हैं। इस पूरे 22 कुंड में स्नान करने के लिए आपको 30 से 40 मिनट तक का समय लगेगा। स्नान करने के बाद आप वहां पर चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं जहां पर आप कपड़े बदल सकते हैं। उसके बाद आप मुख्य मंदिर में भोलेनाथ के शिवलिंग का दर्शन करने जा सकते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर में दो शिवलिंग हैं, पहला वो जो हनुमान जी कैलाश पर्वत से लाए थे और दूसरा वो जो सीता माता जी द्वारा रेत से निर्मित किया गया शिवलिंग था। तो पहले आप हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग का दर्शन करेंगे, उसके बाद आप सीता माता द्वारा निर्मित शिवलिंग के दर्शन करेंगे। दोस्तों मंदिर परिसर में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इंडिया का लार्जेस्ट कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर में ही है। यहाँ के कॉरिडोर गलियारे बेहद खूबसूरत हैं और नए पत्थरों से बने हुए पिलर यहाँ पर आपको बहुत ही आकर्षित करेंगे। दोस्तों मंदिर परिसर में ही अनेक मंदिर हैं, जैसे अंबिका माता का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, पार्वती माता का मंदिर, इन सारे मंदिर में जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हमारा दर्शन हो चुका है, अब बात करते हैं कि हमें यहाँ पर रुकना कहाँ पे है और रुकने की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर रुकने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है धर्मशाला का। जी हाँ, आपको यहाँ पर धर्मशाला मिल जाएगी जो आपको सबसे सस्ता पड़ जाएगा और एक दिन के लिए धर्मशाला का चार्ज 250 से 300 रुपए तक रहता है। रामेश्वरम में आपको मंदिर परिसर के आसपास ही बहुत सारी धर्मशालाएं देखने को मिल जाएंगी। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों रामेश्वरम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी वहां पर रूम अवेलेबल कराए जाते हैं जिन्हें आप इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और ट्रस्ट के रूम का चार्ज 500 रुपए पर डे का होता है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है प्राइवेट होटल। रामेश्वरम में बहुत सारे प्राइवेट होटल्स भी हैं जिनका चार्ज 500 से 1000 रुपए पर डे का रहता है, तो आपको जो होटल पसंद आता है आप वहां पे स्टे कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं भोजन की।
तो भोजन के लिए भी आपके लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर बात करूँ तो वो है मंदिर परिसर में ही मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भंडारा चलता रहता है, तो आप भंडारे में जाकर भोजन कर सकते हैं। भंडारे की टाइमिंग यहाँ पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहती है, तो अगर आप मंदिर परिसर में भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ भोजन कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें 11 बजे से 3 बजे तक। दूसरा ऑप्शन आपके पास है होटल या रेस्टोरेंट का। यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट आपको 100 से 150 रुपए में थाली मिल जाएगी और आप चाहें तो यहाँ भोजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि रामेश्वरम जाने के लिए बेस्ट टाइम या सबसे अच्छा समय कौन सा है। दोस्तों, रामेश्वरम आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नवंबर से मार्च अप्रैल तक रामेश्वरम जाएं। यही बेस्ट टाइम है क्योंकि समर सीजन में यानी गर्मियों में साउथ इंडिया में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है और इस समय यात्रा थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसीलिए आप विंटर सीजन को प्रेफर करें रामेश्वरम जाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि आपको रामेश्वरम में कितने दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए। तो आपको बता दें, आप रामेश्वरम में 2 दिन का टूर प्लान बनाइए, 2 दिन रामेश्वरम घूमने के लिए सफिशियंट है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि रामेश्वरम में हमें और कौन कौन सी जगहों पर घूमने जाना चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले मंदिर की, जो है पंचमुखी हनुमान मंदिर। दोस्तों, पंचमुखी हनुमान मंदिर में आप जा सकते हैं, यहाँ हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। दूसरे स्थान की बात की जाए तो वो है नाम्बू न्यागी मंदिर। दोस्तों, पार्वती माता का मंदिर है यह, और कहते हैं कि जिन लोगों को संतान प्राप्ति की समस्या होती है वो यहाँ जरूर आते हैं, जिससे उनको इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है, तो आप इस मंदिर में जाकर पार्वती माता के दर्शन कर सकते हैं। अगले स्थान की बात करूं तो वो है साक्षी हनुमान मंदिर। दोस्तों, साक्षी हनुमान मंदिर मंदिर परिसर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप साक्षी हनुमान मंदिर में जाकर भी कुछ समय बिता सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान की बात करें तो वो है कलाम स्मारक। दोस्तों, यहाँ पर अब्दुल कलाम जी का स्मारक बनाया गया है, ये वो स्थान है जहाँ पर कलाम जी को दफनाया गया है, तो आप यहाँ जाकर कलाम जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, अगला जो स्थान है वो है धनुषकोडी। दोस्तों, धनुषकोडी आप दूसरे दिन जाइए, पहले दिन मैंने जो आपको प्लेसेस बताई हैं वहां जाइए और दूसरे दिन आप धनुषकोडी जाइए। दोस्तों, रामेश्वरम से धनुषकोडी की डिस्टेंस करीब 20 किलोमीटर है। धनुषकोडी वही जगह है जहां पर वानर सेना द्वारा लंका जाने के लिए समुद्र में पुल या राम सेतु बनाया गया था, तो धनुषकोडी में आप जरूर जाइए, वहां पर आपको बहुत सुंदर समुद्र देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ धनुषकोडी लास्ट लैंड ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है, तो आप धनुषकोडी जरूर जाइए, ये आपके लिए मस्ट विजिट प्लेस है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन सारी जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों, अग्नि तीर्थ के पास ही आपको बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे और ये आपको 800 से 1000 रुपए में इन सारी जगहों को घुमा के आपको वापस मंदिर परिसर में छोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात करते हैं कि रामेश्वरम यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो मैं आपको खर्चा बताऊंगा उसमें किसी भी तरह की बस टिकट, फ्लाइट टिकट या ट्रेन टिकट शामिल नहीं है। इसमें केवल आपके खाने का खर्चा, रुकने का खर्चा और जो ऑटो बुक करा के आप सारी जगहों को घूमेंगे उसका खर्चा इसमें शामिल है। तो एक व्यक्ति का रामेश्वरम यात्रा में 2 दिन के लिए करीब 1500 से 2000 रुपए तक खर्चा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी रामेश्वरम यात्रा के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें।